हलोदर वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू गैज आर सेफ एंड डूइंग गुड तो पिछली वीडियो में हमने हमारी बात खत्म की थी प्रोनाउंस के साथ नाउन प्रोनाउन हम डिस्कस कर चुके हैं तो इस पार्ट्स ऑफ तो स्पीच की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस करने जा रहे एक सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वर्ब. Verbs are an important part of the English language. Why? Because without them, there would not be any action in the sentences. यानी yani, verbs इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि उनके बिना एक सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन हो ही नहीं सकता सो वर्ब्स को इस वीडियो में तो हम वैसे भी डिटेल में डिस्कस करने ही वाले उससे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में वर्ब्स हैं क्या सो इफ आई हैव टू सिंपली पुट देन अ वर्ब

और ज्यादातर जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट की ही बात कर रहे होंगे वो बता रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट आ, किस स्टेट ऑफ बीइंग में है सब्जेक्ट की क्या कंडीशन है वर्ब की इस डेफिनेशन को फटाफट एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं जेमी आयरन हर ड्रेस जेमी ने अपनी ड्रेस को आयरन किया अब आयरन यहाँ पे एक वर्ब है क्यों क्योंकि उसने एक एक्शन को दर्शाया यानी आयरनिंग एक एक्शन था इसी तरह से दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं जेमी इज फीलिंग टायर्ड जेमी थका हुआ फील कर रही है अब इस सेंटेंस में आप देखो इसमें जेमी की कंडीशन को दिखाया गया उसकी स्टेट ऑफ बींग की वो कैसी है अभी शी इज़ फीलिंग टायर्ड तो यहाँ हमारे वर्ड ने दो काम करे पहले सेंटेंस में उसने हमें बताया एक एक्शन दूसरा सेंटेंस में उसने हमें बताया एक कंडीशन तो यही मैंने आपको डेफिनेशन से भी समझाने की कोशिश की थी कि वर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन को या किसी स्टेट ऑफ बींग को दर्शाते हैं सो वेदर अ वर्ब इज लिटरली परफॉर्मिंग एंड एक्शन इन अ सेंटेंस और इज मेयरली लिंकिंग दब्जेक्ट टू द एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग एंड देट इज वाई वे सेट वर्ब्स आर द बिजी बॉडीज ऑफ अ सेंटेंस दैट सर्व टू ब्रिंग द एंटायर थाट टू कंप्लीशन अब मैंने यह वर्ड बिजी बॉडी यूज करा वर्ब के लिए क्यों बिजी बॉडी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी और की प्राइवेट लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इसी तरह से मैंने वर्ब के लिए यूज़ किया क्योंकि वर्ब्स को हमेशा पता होता है कि कोई सब्जेक्ट क्या कर रहा है या कोई सब्जेक्ट की क्या स्टेट ऑफ बींग है इसलिए वो मेटाफरिकली मैंने यहाँ यूज़ कर लिया तो मैंने क्या कहा कोई भी वर्ब या तो वो लिटरली किसी सेंटेंस का एक्शन वर्ड है सीधा सीधा एक्शन बता रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहा है वर्ब्स हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं दैट इज़ वाई हम वर्ब्स को एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं इसीलिए हम इंग्लिश में काफ़ी कहते हैं कि वर्ब्स आर दी हार्ट ऑफ द इंग्लिश सेंटेंसेस तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है और एग्जाम्पल दे दू वर्ब्स के ही ड्रोव टू द माउंटेन्स ड्रोव ड्राइविंग वाला काम वर्ब एक्शन ही प्रिफर्स कॉफी ओवर टी प्रिफरिंग एक स्टेट है चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है तो वो जो वर्ड है वो भी एक वर्ब ही हुआ ठीक है क्योंकि वो बता रहा है एक स्टेट ऑफ बीइंग को एक कंडीशन को दर्शा रहा है इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार वर्ब्स के चाहे कोई सेंटेंस सिंपल हो चाहे वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो हर एक सेंटेंस में वर्ब आना ही आना है तो हमने हमारे तीन सवालों के जवाब यहाँ पा लिए वर्ब क्या है समझ में आ गया वर्ब क्यों ज़रूरी है ये भी समझ में आया क्योंकि उनके बिना सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा और तीसरा उनके एब्सेंस में क्या होगा उनके एब्सेंस में सेंटेंस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम कुछ ना कुछ चीज़ें कैसी है या चीज़ें कैसी हो रही है ये हमें पता होना ज़रूरी है तभी वो सेंटेंस पूरा कहलाता है और वर्ब की एब्सेंस में वो चीज़ नहीं हो सकती चलो तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वर्ब को लेकर अब हमने देखा कि वर्ब के सिर्फ दो ही काम थे या तो एक्शन बताना या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करना लेकिन वर्ब के बहुत सारे टाइप्स भी होते सिर्फ यहीं पे आके वर्ब का काम नहीं रुक जाता है और फिर हमारी एक बात वापस रिपीट हो जाती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर मैं फिर वही चीज़ आपको बताऊंगा कोई कहीं पे क्लैरिटी नहीं है बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम ऑनलाइन जाके ढूंढने भी लगते हैं या कहीं भी जाके पढ़ते हैं क्या करा है लोगों ने बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन कर दिया इतना कर दिया है कि मैं अभी आपको बताने भी लगूंगा तो, तो दिमाग चकरा जाएगा कि इतने टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं क्या लेकिन इस चैनल पे हमारा काम क्या है चीज़ों को कितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना करके समझना तो जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी इलेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स तो हाँ ये वीडियो फिर से दो पार्ट में होने वाली है अब नहीं कर सकता मैं एक पार्ट में वो चीज़ क्योंकि भले ही मैं एक्सट्रीम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ चीज़ों की लेकिन फिर भी एक नॉर्मल पेस रख के चीज़ों को समझना ज़रूरी है एक ही वीडियो में ज़्यादा नहीं कर सकते तो आपकी स्क्रीन पर ये रहे वो सारे इलेवन टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो और पार्ट टू में एक एक को लेके चलते हैं नंबर वन एक्शन वर्ब्स नाउ एज द नेम सजेस्ट एक्शन वर्ब्स आर यूज टू रेफर टू सर्टेन एक्शन सेंटेंस यानी किसी भी सेंटेंस में किसी भी तरह का एक्शन कोई भी तरह का कार्य रह हो रहा है उसको बताने का काम करते हैं ये एक्शन वर्ब्स अब एक्शन दो तरह के होते हैं फिजिकल एक्शन मेंटल एक्शन दोनों एक्शन वर्ब्स के अंडर आते हैं फिजिकल में आ जाता है हमारा स्विमिंग जंपिंग रनिंग वॉकिंग ग्राइंग डांसिंग ये जितने भी तरह के जिसमें हमारा फिजिकल uh, कोई भी बॉडी पार्ट या कुछ भी यूज हो रहा है तो वो आ जाते हैं फिजिकल एक्शन में मेंटल जो भी हमारा ब्रेन करता है थिंकिंग कंसिडरिंग मेमोराइजिंग बिलीविंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये हमारा मोटा मोटी सार है एक्शन वर्ब्स का तो एक्शन वर्ब्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आई वर्क एट अ फैक्ट्री वर्क शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर

है ना तो वी जनरली यूज़ देम टू डिस्क्राइब थिंग्स लाइक क्वालिटीज इमोशंस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बिलीफ एक्सेट्रा तो ये सब चीज़ें हमारी भावनाएं हमारे विचारधाराएं हमारे आ, हम किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें स्टेटिव वर्ब के अंदर आ जाती है अब एक वर्ब एक्शन वर्ब भी हो सकता है स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है डिपेंड करेगा कि उसका सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है तो स्टेटिव वर्ब के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं लव व ओन हैपीनेस डिसीफ ये सारे के सारे स्टैटिव वर्ब के अंदर आ जाते हैं स्टैटिव वर्ब्स को एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं माई कार नीड्स एंड ऑयल चेंज दो नीड्स जेमी लव्स हर यंगर सिस्टर्स लवस जेन डिसलाइक्स ह्यूमिडिटी डिसलाइक्स यू डिजर्व एन अवॉर्ड फॉर दैट डिजर्व स्टैटिव वर्ब्स ना मूविंग ऑन फ्रॉम हेयर ऑन वर्ड्स यहाँ से आगे जितने भी वर्ब्स की टाइप के टाइप की हम बात करेंगे वो या तो एक्शन वर्ब होंगे या स्टैटिक वर्ब होंगे या दोनों की तरह यूज़ किए जा सकते हैं तो अब एक तरह से आप मान लीजिए कि बाकी जो नौ टाइप के हमारे पास वर्ब्स बचे हैं वो एक तरह से सब कैटेगरी हो गई एक्शन और स्टैटिव वर्ब्स की ठीक है द थर्ड टाइप ऑफ वर्ब दैट वी हैव आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स नाउ द ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स That are accompanied by a direct object in a sentence and this direct object can be a noun a pronoun or a noun phrase it cannot be a prepositional phase or an adjective or an adverb and this direct object has something done to it by the subject of the sentence and both action and static verbs can be used as transitive verbs right because they both can have a direct object in the sentence from ट्रांजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है अब ये ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है या नाउन का फ्रेज हो सकता है कोई ठीक है इसमें प्रपोजिशन का कोई फ्रेज नहीं आएगा कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा कोई एडवर नहीं आएगा जिसे हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं ये हमारी बात क्लियर हो गई और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सीधा लेना देना है सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ तो कर रहा है जिस वजह से कुछ तो रिलेशन इनके बीच डेवलप हो रहा है और यही डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन दिखाते हैं ट्रांजेटिव वर्ब्स और इन ट्रांजेटिव वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स और वर्ब्स दोनों की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम लेट एस एन दिसल जेम्स एट अ डिलिशियस पिज्जा अ डिलिशियस पिज्जा इट्स अ नाउन नाउन और ये जेमी भी noun है तो जेमी ने एक डिलिशियस पिज्जा खाया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है यहाँ पे ठीक है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कुछ कर रहा है क्या कर रहा है उसको खा रहा है तो एट जो हमारा यहाँ पे हुआ वो हुआ ट्रांजेटिव वर्ब एक्शन वर्ब ट्रांजेटिव वर्ब एक और एग्जाम्पल लेते ले 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 हैं दी वेल्दी मैन बॉट थ्री पेंटिंग्स वेल्दी मैन सब्जेक्ट और उसने क्या किया ऑब्जेक्ट क्या है थ्री पेंटिंग्स उसने क्या करा खरीदा तो बॉट क्या हुआ एक एक्शन ट्रांजेटिव वर्ब हो गया हमारा जेमी रियली हेट्स ब्रोकली जेमी ब्रॉकली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रिलेशन क्या है हेट करती है तो हेट स्टेटिव वर्ब ट्रांजेटिव वर्ब क्लियर दाइप ऑफ वर्ब्स इन ट्रांजेटिव वर्ब्सिव वर्ब्स आर एग्जैक्ट ऑपोजिट टू दर्ब्स एंड अ वर्ब इज एन इन ट्रांजेटिव वर्ब इफ इट इज नॉट यूज विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी नाउन प्रो नाउन और अ नाउन फ्रेज इट कैनॉट बी ए प्रपोजिशनल फ्रेज और एन एडजेक्टिव और एन एड वर्ब एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वंस अगेन बोथ एक्शन वर्ब्स एंड स्टार्टि वर्ब्स कैन बी यूज एज इन ट्रांजेटिव वर्ब्स तो हम क्या कह रहे हैं जो इन ट्रांजेटिव वर्ब्स हैं वो ट्रांजेटिव वर्ब्स के ऑपोजिट चलती हैं हम किसी वर्ब को इन ट्रांजेटिव तभी कहेंगे जब वो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं हो रही और अभी हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या कोई नाउन का फ्रेज होगा इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कोई प्रिपोजिशनल फेज आ गया कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आ गया तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कंसिडर नहीं करते और जब हमारा वर्ब इन्हीं नॉन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है तो वो हो गए हमारे इन ट्रांजेटिव वर्ब्स और वापस से बता देते हैं एक्शन वर्ब्स और स्टैटिव वर्ब्स दोनों ही इंट्रांजेटिव वर्ब्स की तरह यूज कर सकते हैं चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एयरप्लेन्स फ्लाई खत्म एयरप्लेन्स फ्लाई सब्जेक्ट वर्ब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बट फ्लाई इज एन एक्शन वर्ब ठीक है तो ये हुआ इंट्रांजेटिव एक्शन वर्ब हमारा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं वी वेंट टू द कॉफी शॉप अब वी वेंट टू द कॉफी शॉप वी तो हमारा सब्जेक्ट हुआ कॉफी शॉप हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ठीक है लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है यानी जो हमारा सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उससे डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है क्योंकि हम ये भी कह सकते थे वी we वेंट तो यहाँ भी सेंटेंस एक तरह से खत्म हो भी सकता था यहाँ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं थी यानी इन ट्रांसलेटिव वर्ब्स में मेन एक्शन का फोकस सब्जेक्ट पे रहता वी we वेंट हम गए कहाँ गए एट द कॉफी शॉप कॉफी शॉप कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम नहीं भी आते तो. क्या हुआ है? कोई है? है? है. नहीं. है. ठीक तो इस तरह से हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है sentence में. प्लेन लैंड मेन एक्शन प्लेन का है तो ये होता है इन ट्रांटिव वर्ब जहां सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रहता है एट नंबर फाइव वी वर्ब्स Now, linking verbs are a special type of stative verbs, who, as the name suggests, are used to link subject to a subject complement. Now, subject complement can be anything that gives additional detail or information about the subject itself. Right? There is a subject, there is the information about a subject, and the verb that is linking both of them are called the linking verbs. सो इन अदर वर्ड्स द लिंकिंग वर्ब्स दे लिंक दिस सब्जेक्ट विद इट्स ओन एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हम क्या कह रहे हैं लिंकिंग वर्ब्स एक स्पेशल टाइप के स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिनका काम क्या होता है जैसे कि उनका ना नाम बता रहे हैं वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं लिंक करते हैं सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट से मेरा क्या मतलब है मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही जब हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट को जोड़ने का काम ये लिंकिंग वर्ब्स करते हैं तो इसमें कौन से तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं बहुत सारे हैं बी बिकम गॉट इज एम आर वर एक्सेट्रा एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा माइक इज अ ग्रेट डांसर तो माइक हमारा सब्जेक्ट और माइक एक अच्छा डांसर है तो अच्छा डांसर माइक की एक खासियत हो गई एक कॉम्प्लीमेंट हो गया सब्जेक्ट के लिए और इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया इज तो इज हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब दैट गोल्ड वॉच इज़ एक्सपेंसिव अब गोल्ड वॉच सब्जेक्ट गोल्ड वॉच की खासियत क्या वो एक्सपेंसिव है यानी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दोनों तो को जोड़ा किसने लुक्स दैट का आर वॉज हेयर तो दैट कार सब्जेक्ट उसी की पोजिशन बताई गई यानी उसी की कोई डिटेल हमें मिली उसको जोड़ने का काम किसने किया वॉज लिंकिंग वर्ब एंड दैट मेक्स इट फॉर द पार्ट वन ऑफ द वर्ब्स वीडियो आई होप आपको नया सीखने को मिला समझ में आया अगर कहीं पर भी, भी डाउट है डू रीच आउट टू मी एज यू ऑलरेडी नो with that i conclude the video be sure to drop a like subscribe to the channel comment down what you like and what you didn't and uh, share the video with someone who think would be benefited from it and i hope to see you all in the part two of the video till then take care stay safe bye bye thank you for listening to me cheers